सीक्वेंस डायग्राम इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है सीक्वेंस डायग्राम और दूसरी है कोलैबोरेशन डायग्राम। ये नोट करें, दोनों हमने अभी पढ़नी है, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? इंटरेक्शन डायग्राम की। विच टेल्स हाउ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर ये हम बताते हैं कि सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। These diagrams are used by software developer and business professional to understand the requirement for new system or document and existing processes. तो ये इस purposes के लिए use होती है। Capture the dynamic behavior, time oriented है। Sequence diagram क्या करती है? Capture dynamic behavior करती है और ये time oriented है। Model flow of control, illustrate typical scenarios. इसके अंदर मुख्तलिफ scenarios का हम illustrate कर सकते हैं, arrange in time और deal with objects हैं, normally classes के साथ deal नहीं करती, messages and so on so forth. अच्छा, ये जो तीन, अगर हम sequence diagram में, वैसे तो ये objects के साथ deal करेगी, अगर हम देखेंगे सारी sequence diagrams जो हैं वो objects के साथ ही हैं, like you can watch over here. लेकिन अगर हमें कहीं जरूरत पड़ जाए क्लास को शो करने की, तो आप लोग कैसे करते हो? ये जो सीक्वेंस डायग्राम आप लोगों ने शायद बनाई होगी, सब नहीं पता होगा आप लोगों को, ये इस तरह से एक डॉटेड टाइमलाइन होती है, उस डॉटेड टाइमलाइन के साथ हम क्या कर रहे होते हैं? शो कर रहे होते हैं। और डॉटेड टाइमलाइन के टॉप के ऊपर हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं अगर आपको और दिखा सकूं, ये हमारे पास ये डॉटेड टाइमलाइन है, ये डॉटेड टाइमलाइन है, और इसके ऊपर क्या है? ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, और ये इसकी लाइफ लाइन है, इस ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन। ये ऑब्जेक्ट इतनी देर के लिए क्रिएट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इतनी देर के लिए क्रिएट हुआ फिर डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर ये ऑब्जेक्ट इतनी थोड़ी देर के लिए क्रिएट हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ कि ये हमारे पास, मैं ये दिखाना चाह रहा था बेसिकली आपको, ये बॉक्सेस यूज कहाँ पे होते हैं, इसके नीचे डैश लाइन लगती है और डैश लाइन के ऊपर हम इस तरह से एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं, लेंथी सा, कि कब से कब तक ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में रेजाइड कर रहा है। बाकी इसको अगर आप देखें कि अगर आपने सीक्वेंस डायग्राम के टॉप के ऊपर किसी क्लास को शो करना, लाइक सेल क्लास को इसने शो किया हुआ है, तो यू हैव जस्ट राइट सेल ओवर हेयर, और ये क्लास है। अगर आप इंस्टेंस को शो करना चाहें तो उसके लिए क्या है कि सेल से पहले कोलन और नीचे अंडरलाइन आएगी। अगर आप ये करते हैं, ये नोट कर लें अपने पास, तो इट मींस कि ये सेल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये इंस्टेंस है, इट इज नॉट सेल क्लास, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेल क्लास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेम्ड इंस्टेंस, नेम्ड इंस्टेंस। इसमें क्या होता है? एस वन कॉलन स्लेट सेल और फिर वो अंडरलाइन। इसका मतलब ये है कि ये एस वन एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है एस वन, किस क्लास का है? सेल क्लास का है। तो ये इस तरह से, इसमें यहाँ पे अननेम्ड इंस्टेंस है, ये अननेम्ड ऑब्जेक्ट है, विच मींस कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका नाम नहीं है। आप उसका नाम जो मर्जी रख लें, S1 रख लें, S2 रख लें, S3 रख लें, जैसे हम लिखते हैं ना कार टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ABC, तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कार का या सेल का एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका नाम जो मर्जी रखा हो, लेकिन यहाँ पे विद नेम बता रहा है कि जी ये नाम भी है उसका। यहाँ तक क्लियर है कि जी ये क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इफ यू हैव टू, अगर आप इस तरह लिखेंगे टॉप के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स, नॉर्मली वी इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स, आपने क्लास यूज नहीं करनी, ठीक है, आपने जब भी यूज करनी है या इंस्टेंस यूज करना है या नेम्ड इंस्टेंस यूज करना है, ठीक है। और उसको शो ऑफ कैसे करना है? यू हैव टू राइट द कॉलन एंड अंडरलाइन एंड देन क्लास नेम, इट मीन्स कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। समझ आई की बात? इसके बाद जो हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं सीक्वेंस डायग्राम में, इस तरह से ये जो हम मैसेजेस सेंड करते हैं, मैसेजेस इसमें, फिर ये स्क्वायर बॉक्स को बस छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं। ये हम मैसेजेस सेंड करते हैं, ये आप देख रही हैं, ये डॉटेड मैसेजेस वापस आ रहा है, ये सॉलिड मैसेज है, तो इन मैसेजेस की भी टाइप है, ठीक है। फोर टाइप्स ऑफ मैसेजेस हैं जो हम सीक्वेंस डायग्राम में यूज कर सकते हैं।